बिग बॉस 16 के घर में जिस दिन से सुम्बुल के पापा शालीन के खिलाफ सुम्बुल को समझा कर गए हैं, उस दिन से ही लगातार सुम्बुल प्रियंका और अंकित के काफी ज्यादा क्लोज हो रही हैं और लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सुम्बुल की प्रियंका के साथ और अंकित के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है। वहीं कई बार हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से प्रियंका और अंकित सुम्बुल को कई बातें समझाते भी हैं। इसी तरीके से एक बार फिर प्रियंका ने सुम्बुल को अपनी छोटी बहन समझकर एक बहुत ही बड़ी बात समझाई है, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, प्रियंका सच में सुम्बुल को अपनी छोटी बहन मानती है और उसी के तरीके उनको ट्रीट करती है। दरअसल सुम्बुल प्रियंका को ये बोलती हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से शालीन मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। वो बनता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन एक्चुअल में वो मेरा दोस्त नहीं है। जिस पर प्रियंका कहती है कि सुन सुम्बुल, जिस सिचुएशन से तू इस समय गुजर रही है, उस सिचुएशन से मैं भी गुजर चुकी हूँ। लोगों ने मुझे बोला था कि इससे बहुत ही ज़्यादा दूर रहे, सब ने बोला था, फिर चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो या फिर मेरी खुद की फैमिली, लेकिन मैं नहीं रही। और मैं तुझे एक और बात अच्छे से समझाना चाहती हूँ, कभी भी अगर तेरे को किसी को भी चुनने की बात आए तो हमेशा सबसे पहले अपने आप को चुनियो, कभी भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लियो। अगर तुझे कभी भी अपने आप में और शालीन में चुनने का मौका मिले तो हमेशा अपने आप को चुनियो, क्योंकि तू जानती है कि किसने यहाँ पर किसका कितना साथ दिया है और कौन हमेशा तेरे साथ रहा है, कौन तेरा सच्चा दोस्त है। वेल, जिस तरीके से प्रियंका ने सुम्बुल से अपने दिल की बात शेयर की, अपना एक पास उनके साथ शेयर किया, वो ये बता रहा है कि प्रियंका भी सुम्बुल के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही हैं और उनके साथ अपने पास से रिलेटेड बातें भी शेयर कर रही हैं, जो शायद प्रियंका ने फिलहाल किसी के साथ भी घर के अंदर तो नहीं शेयर की है। आपको प्रियंका, सुम्बुल और अंकित का ये नया बॉन्ड कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। और इसी तरह बिग बॉस 16 की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटेगी।